Welcome back to RCJ Juniors. तो प्रीवियसली मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपका दो तीन दिन के अंदर ही मॉडल आंसर की पब्लिश हो जाएगा एंड फाइनली जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके अंदर ही आपका पब्लिश हो गया है तो यहाँ पर आपको मॉडल आंसर की एंड व्यू एंड चैलेंज फॉर डब्ल्यू बीजे बोलकर एक ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ही आपका सामने एक ऐसा इंटरव्यूस आएगा जहाँ पर आपको साइन इन करने का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड देकर साइन इन कर लेना है एंड उसके बाद ही आपका जो मॉडल आंसर की है वो आप चेक कर सकते हो एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर और एक बात है अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन के गलत दिया हुआ है तो आप उसका ऊपर जो है चैलेंज भी कर सकते हो एंड हर किसी क्वेश्चन के लिए आपको फाइव हंड्रेड रुपीज पेमेंट करना होगा तो इसका जो लास्ट डेट है आपका चैलेंज प्रोसीड्योर कंप्लीट करने का वो आपका थर्टींथ मेता है तो उसके अंदर ही आपको पेमेंट से लेकर सब कुछ कर लेना है अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा एंड इसके साथ ही साथ और एक बात है अगर आपने चैलेंज किया हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो सोच रहे हो जो आंसर सोच रहे हो वही आएगा एंड फाइनली जो रिव्यू करने के बाद डब्ल्यू बोर्ड को जो लाएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा एंड उसी को आपको जो है एक्सेप्ट कर लेना है तो बस इतना ही है तो चलो फिर देख लेते हैं कि आप कैसे चैलेंज कर सकते हो लॉग इन करने के बाद अगर आप स्कॉल डाउन करते हो तो आपका सामने व्यू और चैलेंज आंसर की का ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ही आप जो है आपका आंसर की व्यू एंड व्यू एंड चैलेंज आंसर की कर सकते हो तो अगर आप आंसर की सिर्फ व्यू करना चाहते हो तो फिर जाके व्यू आंसर की के अंदर आपको क्लिक करके आपका क्वेश्चन सेट पर जो सिम्बल दे उसके मुताबिक आपका पेपर सेट कौन सा होगा यहाँ पर आपको देख लेना है एंड फिर आपको यहाँ पर फॉलो करना है कि आपका आप सिलेक्ट सब्जेक्ट मतलब मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आप देखना चाहते हो तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड फिर जाके आप सिलेक्ट टेस्ट पेपर से तो आपने जो सिम्बल के साथ साथ आपका जो पेपर सेट देखा था उसको आपको यहाँ पर दे देना है तो बस आपका आंसर की आप देख सकते हो इसके साथ ही साथ अगर आप चैलेंज करना चाहते हो आंसर की, तो की के ऊपर तो वी वैंड चैलेंज आंसर की के अंदर आपको जाना है एंड फिर से आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है एंड यहाँ पर आपको जो है आपका ट्रेस सब्जेक्ट इसको पहले सिलेक्ट कर लेना है तो मैंने मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर लिया एंड इसके साथ ही साथ मैंने कोई भी एक पेपर सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आपको मॉडल आंसर की दे दिया जाएगा एंड फिर जाके आपको लगता है कि कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है तो उसको ऊपर आपको क्लिक कर लेना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो दिया है सी आपको लग रहा है कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है तो इसके साथ ही साथ आप और भी क्वेश्चन के ऊपर आप जो है चैलेंज कर सकते हो एंड वो सब सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे की तरफ़ जाना है एंड आपको जो है ऐड टू क्लेम बाकेट्स आपको कर लेना है तो यहाँ पर ओके करने के बाद ही आप जो है यहाँ पर योर क्लेम्स आप कर सकते हो एंड अगर आप कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जो है आप अपलोड कर सकते हो एंड फिर जाके आप सेव योर क्लेम्स वो आप कर कर, कर देना एंड फिर जाके आपको यहाँ पर जो है पे कर देना है तो आप जो है पेमेंट आप ऑनलाइन पर ही कर सकते हो आपका नेट बैंकिंग का थ्रू भी कर सकते हो एंड इसके साथ साथ यू का थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो तो बस इतना ही है आपका प्रोसीडियोर चैलेंज करने का तो होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प होगा एंड और भी बहुत सारे हम वीडियो लाएंगे जो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देगा तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय